एक्ट्रेस कहीं की भी हो, कैसी भी हो और किसी भी इंडस्ट्री की हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या फिर कोई रीजनल सिनेमा की हो या हमारे बॉलीवुड की, अक्सर एक्ट्रेसेस को, जी हाँ सिर्फ फीमेल एक्टर्स को ही सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक और टेंशन वाली बात तब आ जाती है जब किसी एक्ट्रेस का MMS लीक हो जाता है। इस वक्त ऐसी ही एक दुखद घटना हुई है। किस एक्ट्रेस के साथ हुई है? जी हाँ, एक्टर सिंगर कह सकते हैं आप। मैं आपको बता दूँ कि बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं काफ़ी रिसेंटली। कौन है ये, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उसके पहले वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। आप सबको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी शॉकिंग सी MMS जो है उसकी खबर वायरल हो रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर हर तरफ एक वायरल MMS छाया हुआ है और इस MMS की गूंज इतनी ज्यादा हो गई है कि हर जगह सर्क्यूलेट हो रहा है। ये एक तो ऐसी चीजें, कई सारे जिनकी मानसिक स्थिति आई थिंक ठीक नहीं है, वो लोग ऐसी चीज़ों को सर्क्यूलेट करते रहते हैं बार बार और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऐसी चीज़ों को देखते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस। बट मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी और काफ़ी पॉपुलर कंटेस्टेंट रह चुकी भोजपुरी सिनेमा की जान कही जाने वाली अक्षरा सिंह की मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, अक्षरा सिंह जो कि अपने आप में बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रही थी बिग बॉस के पूरे वक्त के दौरान, उसी के साथ साथ अब रिसेंटली अक्षरा सिंह का ये MMS सोशल मीडिया पर लीक हुआ है, जिसके चलते अक्षरा की हालत इस वक्त कुछ ऐसी है। ये है उनकी रीसेंट तस्वीर, मैं आपको बता दूं, इमोशनल आप देख सकते हैं अक्षरा नजर आ रही हैं। उसी के साथ साथ जो शॉकिंग बात है वो ये है कि अक्षरा ने सामने आकर इस MMS पर कई सारी बातें शेयर की हैं। जी हाँ, अक्षरा ने हाथ जोड़कर ना सिर्फ रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दिया जाए और इन चीज़ों को आगे बढ़ावा ना दिया जाए। आपको पढ़कर बताते हैं अक्षरा क्या कुछ कहती नजर आ रही हैं। अक्षरा कहती हैं, जो मुझे पसंद करते हैं वो मुझे हमेशा ही पसंद करेंगे, बेशक मैं कहीं भी जाऊँ और कहीं भी काम करूँ। आप नहीं रोक सकते किसी को भी। आप बहुत बड़ा नाम है तो आप अपना काम कीजिए, चेहरे पर नकली मुखौटा लगाकर घूमते रहिए, हकीकत में रहिए, फेक मत बनिए। सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में ही ये सब क्यों होता है? दूसरी इंडस्ट्रियां भी तो है, पंजाबी, साउथ से लेकर बॉलीवुड समेत कई और तरह के सिनेमा है, मगर ये गंदगी सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में ही क्यों? यहाँ इतनी चीपनेस क्यों है कि लोग एक दूसरे की इस तरह की चीज़ों को फेक चीज़ों को प्रमोट करते हैं? इसको ब्लॉक करते हैं, इसको ब्लॉक कीजिए। उसका गाना आगे नहीं आने देना चाहते। कोई दूसरा एक्टर अगर ज़्यादा काबिल हो जाए तो लोगों को तकलीफ होने लगती है। अक्षरा के इस MMS वीडियो पर काफ़ी बवाल मच रहा है। अक्षरा ने अपनी तरफ से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है कि ऐसे किसी भी वीडियो को आप प्लीज़ स्प्रेड ना करें। आपको इस पर क्या है कहना और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे बताइएगा ज़रूर हमें नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में।